नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बैंकिंग सक्सेस में। दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपके कोई भी डाउट्स है तो कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। बैंकिंग प्रिपरेशन से जुड़े कोई भी आपके डाउट्स है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, हर एक का इंडिविजुअली रिप्लाई किया जाएगा। गुड न्यूज़ फॉर बैंकिंग एस्पिरेंट्स। अब पहले मैं बता दूं कि आपको ये गुड न्यूज़ किसके लिए है। ये गुड न्यूज़ उनके लिए है जो भी बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2019 के अंदर, क्योंकि बैंकिंग की प्रिपरेशन 2019 के अंदर कर रहे हैं तो वैकेंसीज बहुत ज़्यादा आने वाली है। इसी चीज़ के लिए गुड न्यूज़ रखा गया है कि वैकेंसीज इंक्रीज होगी 2019 के अंदर बैंकिंग की। इसका आपको मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा कि बैंकिंग के अंदर वैकेंसीज इंक्रीज क्यों होगी, और जो PGDF की वैकेंसीज है वो भी इंक्रीज होगी। यानी PGDF का जो कोर्स होता है, सिंडिकेट बैंक का, केनरा बैंक का, IDBI बैंक का, इंडियन बैंक का, तो उनकी भी वैकेंसीज ज़्यादा आने की इस बार चांसेज है। इसी के साथ IBPS PO, IBPS कलर्क की वैकेंसीज लास्ट ईयर से ज़्यादा वैकेंसीज आएगी। यानी लास्ट ईयर अगर बात करें IBPS PO की, तो 4500 वैकेंसी IBPS PO की आई थी लास्ट ईयर। जो वैकेंसी इस बार 5000 से 6000 के करीब आने की संभावनाएं हैं, क्योंकि लास्ट अगर अपने बात करें तो चलिए एक न्यूज़ मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो ये देखिए, एड आफ्टर 3 PSU बैंक्स रिमोट फ्रॉम PCA, यानी प्रमोट करप्टिव एक्शन। यानी PCA से जो 3 बैंक है वो रिमूव हो चुके हैं, यानी PCA से कम्स आउट हो चुके हैं, यानी PCA से बाहर आ चुके हैं। फ्रेमवर्क ऑफ द RBI फाइनेंस मिनिस्टर पीयूष गोयल फ्राइडे एक्सप्रेस्ड होप दैट अदर रिमेनिंग एट लैंडर विल बी आउट ऑफ द लिस्ट सून। यानी 8 बैंक अभी बचे, 11 बैंक PCA के अंदर थे जिसमें से 3 बैंक बाहर आ चुके हैं, 8 बैंक अभी भी बचे हुए हैं, वो जल्दी ही बाहर आएंगे, ऐसा पीयूष गोयल का कहना है, RBI फाइनेंस मिनिस्टर का। तो चलिए आगे और देख लेते हैं न्यूज़ के अंदर क्या है। वायरस स्टेपन टेकन बाय द गवर्नमेंट हैज़ हेल्प द बैंक सैनिफाइड एज द रिजल्ट 3 बैंक्स, बैंक ऑफ इंडिया BOI, बैंक ऑफ महाराष्ट्र बैंक ऑफ और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स OBC। यानी ये 3 बैंक है, BOI, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड OBC, बैंक ऑफ ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ये तीनों बैंक बाहर हो चुके हैं। अब ये तीनों बैंक जब PCA से बाहर हो चुके थे, इसका फायदा बैंकिंग एस्पिरेंट्स को क्या होगा? यानी ये जो क्रेडिट था वो उनका बंद कर रखा था पहले, और ये न्यू जो लोन्स वगैरह इश्यू नहीं कर सकते थे क्योंकि इनको अंदर सरकार ने पैसा डाला था। उसके बाद ये बैंक सब बाहर आ चुके हैं, तो अब जो वैकेंसीज इन बैंकों की थी वो भी रोकी हुई थी। यानी लास्ट अगर बात करें तो इन बैंकों की वैकेंसीज नहीं आ रही थी, अब ये बाहर आ चुके हैं, अपना अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, तो अब इनकी जो वैकेंसीज है वो दोबारा से आएगी। और IBPS PO और IBPS कलर के अंदर इनकी वैकेंसीज आती है, तो वो इन वैकेंसीज अगर इन बैंकों के अगर ये 8 बैंक जो बचे ये भी और आ जाते हैं तो वैकेंसीज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी इस बार। अब देखिए आगे और देख लीजिए आप, RBI थर्सडे लेफ्ट एट लैंडिंग क्रब्स ऑन 3 आउट ऑफ 11 जो वीक पब्लिक सेक्टर बैंक थे। यानी PSP के जो 11 वीक बैंक थे उनमें से 3 बैंक बाहर आ चुके हैं। अब आगे देखिए इसके अंदर क्या बताया गया, 8 पब्लिक सेक्टर बैंक और कौन सी है जो बाहर आने वाले हैं 2019 के अंदर, जो IBPS PO और IBPS कलर की वैकेंसी आएगी उससे पहले पहले आ जाएंगे। देखिए इलाहाबाद बैंक आपका आ जाएगा, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया आ जाएगा, कॉरपोरेशन बैंक आ जाएगा, IDBI बैंक की आपको पता है PGDF की भी वैकेंसी आती है, तो IDBI बैंक की PGDF की वैकेंसीज भी आएगी। इसी के साथ UCO बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक एंड देना बैंक स्टिल रिमेन अंडर PCA फार्मवर्क वाइल इम्पोज लैंडिंग रेस्ट्रिक्शन एंड प्रिवेंट्स देम फ्रॉम एक्सपेंडिंग अमंग अदर क्रब्स। यानी ये जल्दी ही बैंक है जो बाहर आने वाले हैं, तो ये आपके लिए गुड न्यूज है। इसके बाद जो दूसरी गुड न्यूज आपके लिए ये है कि TDS पे जो पहले फिक्स डिपॉजिट वगैरह होते थे उन पे जो आपका टैक्स लगता था, यानी जो अपनों ने जमा करा रखा उस पर जो टैक्स लगता था वो पहले 10,000 रुपये तक सीमा थी, अब उसको बढ़ा के 40,000 रुपये कर दिया है। 40,000 रुपये, यानी पहले 10,000 रुपये अगर आपके जमा थे उस पर जो ब्याज मिलता था उस पर टैक्स TDS लगता था, अब वो सीमा आपके उठा के 40,000 रुपये कर दी है। तो इसको मैनेज करने के लिए भी आपके एम्प्लॉयज़ की आवश्यकता रहे होगी, तो वैकेंसी इस बार भी इंक्रीज होगी। इसी के साथ आपके जो 2.5 लाख तक की इनकम थी उनको बढ़ा के 5 लाख रुपये कर दिया है। यानी पहले अगर 2.5 लाख रुपये तक टैक्स लगता था, अब 5 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगता, तो जो 2.5 लाख रुपये और जो इंक्रीज हुए हैं विदाउट टैक्स के, तो वही तो बैंकों के अंदर आनी है। यानी बैंकों के अंदर वो भी डिपॉजिट होने हैं 2.5 लाख रुपये, तो उनके लिए भी एम्प्लॉयमेंट की जरूरत होगी। बैंकों का व्यवसाय जैसे जैसे ज़्यादा बढ़ेगा, बैंकों का कारोबार जैसे जैसे बढ़ेगा, तो एम्प्लॉय की जरूरत तो पड़ेगी, उनको एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी, तो वैकेंसी इनको रिलीज करनी ही पड़ेगी। इसी के साथ किसानों के लिए जो 6,000 रुपये का एक न्यू स्कीम लॉन्च किया है बजट के अंदर, तो उसके लिए क्या होगा, उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा? उसका इफेक्ट पड़ेगा RRB बैंकों पे, क्योंकि RRB बैंक जो है ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं, ये जो प्रक्रिया होने वाली है 6,000 रुपये प्रत्येक जो एकड़ के हिसाब से, तो वो सारा का सारा इफेक्ट किस पे पड़ेगा? RRBs पे। RRBs पर अगर ये 6,000 रुपये का बिजनेस उनका बढ़ेगा, 6,000 रुपये करके एक RRB जो बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन होंगे, तो उनका बिजनेस बढ़ेगा, उनका बिजनेस बढ़ेगा तो उनके जो ट्रांजेक्शन होंगे वो भी बढ़ेंगे, तो उनको संभालने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट तो होगी, रिक्वायरमेंट एम्प्लॉयज़ की होगी, तो एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट के लिए
आप ही लोग होंगे जिनको वो हायर करेंगे। तो आप ये देखिए, अब वैकेंसीज बहुत ज़्यादा आने वाली है, तो अब ये मत कहना कि वैकेंसीज नहीं आ रही। तो अब आपको क्या करना है, प्रिपरेशन करना है। प्रिपरेशन करने के लिए अपने बेसिक टू हाई लेवल चैनल पे स्टार्ट कर चुके हैं, बैंकिंग सक्सेस यूट्यूब चैनल पे। इसी के साथ अनकेडमी पे रीजनिंग के कोर्सेज चलते हैं अपने, आप फॉलो कर लीजिए और इन सभी कोर्सेज को कर लीजिए। यानी मैथ का जो कोर्स है वो आपका 1 या 1.5 महीने के अंदर पूरा हो जाएगा। तो आपके सारे बेसिक टू हाई लेवल के कॉन्सेप्ट इसके अंदर आ जाएंगे। इसके बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो इसी के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन वाला बटन प्रेस करना है। जो भी न्यू अपडेट होगा बैंकिंग प्रिपरेशन से जुड़ा वो उस चैनल पर सबसे पहले अपलोड होगा। तो आपको वीडियो अगर सबसे पहले मिले इसके लिए आपको बेल आइकन वाला बटन प्रेस करके रखना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। अपने सभी फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।